ट्राई टू मेक इट क्लियर, क्लीन एंड क्लियर, और क्लटर फ्री होना चाहिए। यहाँ पे कोई स्टोर भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कबाड़ भी नहीं होना चाहिए। देन कम द सेंटर ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में अगर किसी के कोई भी चीज बनी हुई है, चाहे वो स्टेयर्स है, चाहे किचन है, चाहे बेडरूम है, चाहे टॉयलेट है, तो वो उसको आप कुछ ना भी कुछ कर लो, वहाँ पे कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, डिस्टर्बेंसेस रहने ही रहने वहाँ पर। अगर ये कोई भी चीज़ सेंटर में आ गई है तो आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी लें, कोई बिल्डिंग लें, कुछ भी लें, आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म स्थान शुड बी एम्प्टी। और ब्रह्म स्थान में कोई कॉलम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉलम वॉल भी नहीं होनी चाहिए और बीम भी नहीं जाना चाहिए ब्रह्म स्थान के ऊपर। अगर ये चला गया तो डिस्टर्बेंस होती ही होती है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, पेट से रिलेटेड ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इससे रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। तो ब्रह्म स्थान आपका जितना ओपन रहने वाला है, जितना खुला रहने वाला है, उतना आपको फायदा होगा ब्रह्म स्थान का। तो ब्रह्म स्थान को हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखें। ये खुला रहने से लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स बाय डिफॉल्ट खुलते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना अपने को कि जैसे हमें लगता है कि हमने कोई कोशिश भी नहीं करी, फिर भी ये काम कैसे हो गया, इतने तो मेहनत भी नहीं कर रहे। तो अगर ये सेंटर आपका ओपन है तो आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं कि आपकी कोशिश कम होती है और रिजल्ट आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। इसलिए सेंटर को ऑलवेज ट्राई टू कीप इट ओपन। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। कमल का फूल होता है, ठीक है, लोटस फ्लावर होता है, एक येलो लोटस फ्लावर ले लीजिए, ठीक है, नॉट लिविंग फ्लावर पिक ले लीजिए येलो लोटस फ्लावर की, और उसको ना स्टिकर टाइप का कुछ बना दीजिए, उसको स्टिकर जैसे होता है, जब गमिंग शीट पे उसको लगा दीजिए, और जो भी आपका सेंटर आता है वहाँ पे फर्श पे लगा दीजिए, सर वही है। ठीक है, सेंटर के बारे में आपको समझ आ गया। सेंटर पे कोई भी सामान नहीं रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना, एट एनी कॉस्ट सेंटर निकाल लो आप अपने घर का और बिल्डिंग का। वहाँ पे अगर कुछ भी रखा हुआ है तो उसको तुरंत हटा दो आप, ठीक है, वरना ब्लॉकेजेस ख़त्म नहीं होंगी, ब्लॉकेजेस आती रहेंगी। और कोई भी ऐसी जगह मत लेना जहाँ पे कोई टॉयलेट किचन और ये सब सेंटर में बना हुआ हो। सेंटर जितना ओपन रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा हमेशा। नाउ वी कम अबाउट द स्मॉल टिप्स वास्तु के, जैसे एक आपको ये पता लग गया, अब आपको क्या कर सकते हो आप छोटी छोटी चीज़ें भी, चाहे टैलेंट भी हूँ, दैट यू कैन कीप येलो फ्लावर्स इन साउथ वेस्ट। आपको अपने काम में सक्सेस चाहिए तो साउथ वेस्ट में आप येलो फ्लावर्स रख सकते हो। येलो फ्लावर्स यू कैन पुट द लाइवली फ्लावर्स ऑल्सो एंड यू कैन पुट द आर्टिफिशियल ऑल्सो। नॉर्मली वी यूज टू अवॉइड आर्टिफिशियल प्लांट क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, प्लास्टिक के प्लांट जो होते हैं निगेटिविटी देते हैं। फॉर डेट यू कैन पुट पिक ऑफ येलो फ्लावर्स हो गया, ठीक है, आप एक पिक भी लगा सकते हैं येलो फ्लावर्स की, हो गया नेचुरल रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन नेचुरल रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन वो फूल तोड़ के भी दे सकते किसको, बाद में लेना नहीं बाल भी देना पड़ेगा, पहले तो लड़की ढूंढना पड़ेगा सर। आप ये लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा कि आपको लेने वाला मिल जाएगा। सर आपके पास ऑलरेडी है ना, दो तीन ही खाली।